तो भाई ये बनाने की कोशिश करी थी हमने। अब अंदाजा लगाओ ये क्या है, आलू प्याज और पनीर के मिक्सचर के साथ। आज की लोकेशन हमारी है जो कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हम सबसे ऊपर है ऐसा हमारा मानना है। अपने टेंट लगा रहे हैं तो मैं इस पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं हटा और ये टेंट उड़ा। भाई थार हम अपने यहाँ लिया है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी ने कभी कैंपिंग की होगी। बहुत मुश्किल है यहाँ पे कैंप करना। आप देख रहे हो हवा यहाँ बहुत तेज़ चल रही है, आपको वीडियो में तो नहीं समझ आ रहा होगा लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही है। ठीक है, टाइम लैप्स हमने ऑन किया हुआ है। तो गाइस हवा बहुत तेज़ चल रही है यार, यहाँ पे लगता है रॉन्ग डिसीजन ले लिया यहाँ पे आने का, बहुत तेज़ हवा है। तो कुछ ये नज़ारा अपनी कैंपिंग लोकेशन का, क्या कह रहे हो भाई? फेरी लाइट्स नाइट कैंपिंग अधूरी है भाई। जहाँ से लाइट शुरू है ठीक है, तो यार चलो अपनी फेरी लाइट्स लगा रहे हैं और मैं तब तक इवनिंग स्नैक्स का कुछ तैयारी कर लेता हूँ। ये बन वगैरह लेके आए थे, बन्स एंड ब्रेड्स। अरशद भाई जा रहे हैं इधर लकड़ियाँ लेने नीचे, वो सामने लकड़ियाँ पड़ी हैं काफ़ी सारी, वो ढेर दिख रहा है ढेर लकड़ियों का। तो भाई अरशद भाई लकड़ियाँ ले आए हैं, कुछ लकड़ियाँ गिरी कुछ पीछे कार में पड़ी हुई हैं। भाई नज़ारा एक नंबर है यार, मतलब मैं बार बार तारीफ करे जा रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ, उसका पीछे लॉजिक है भाई लिटरली, क्योंकि जगह वाकई में बहुत अमेजिंग है यार। और ये मैं आलू बॉयल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बनाने वाला हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जब बनेगा तो बताते हैं। Few moments later. अभी नहीं उबला यार, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। पनीर लिया था तो सोचा इसको भी यूज़ में ले लेते हैं, और ये मैं बताऊंगा कि हम बना क्या रहे हैं बाद में जब बन जाएगा। सरप्राइज़ है सरप्राइज़।
तो भाई ये बनाने की कोशिश करी थी हमने। अब अंदाजा लगाओ ये क्या है, आलू प्याज और पनीर के मिक्सचर के साथ हमने जो बनाया था सिस्टम, गैस कर लो, ये वड़ा पाव भी हो सकता है। वड़ा पाव भी है, वड़ा पाव भी है। ये वड़ा पाव ही है, वड़ा पाव ही है। हाँ, वड़ा पाव ही है भाई। ये तो हो गया वड़ा रे रखे भाई अपने पाव। जो बात है, जो बात है, देखते हैं पहले ये खाएंगे फिर भूख लगेगी तो और कुछ बना लेंगे। मैंने इसके बाद अपन ने कौन सी किसी से परमिशन लेनी है। तो भाई बहुत फायर अपनी चालू है। ये हमारे अर्शद भाई लेके आए लकड़ी, जंगल में से ढूंढ गए। कोई इतना आसान काम नहीं है भाई, जो बात है। देखो भाई मेहनत तो है, मज़ा है, मज़े लेने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये चीज़ आप नहीं कर सकते यार और जगह पे। और आज भी हमने जो अपना टेंट है जो उसको डेकोरेट किया है इन लाइटों की वजह से, जैसे कल हमने लाइट्स लगाई थी सेम ऐसी लाइट्स हमने आज भी लगाई हैं। अब भाई तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते आजू बाजू क्या है। देख रहे हो सामने तो सिटी दिख रही है, कोई सिटी है, देखो पता नहीं कौन सी सिटी है, मंडी वंडी शायद हो सकती है भाई। कोई नहीं आया टूट टूट, कोई भी नहीं है। और इधर अपनी थार खड़ी है भाई, बस इसी की वजह से हम यहाँ पर यहाँ तक आ गए, नहीं तो कौन ही आ रहा है यार ट्रैक करके प्रॉपर, बड़ा मुश्किल है। तो सारे सिस्टम इधर चार्ज हो रहे हैं, पावर बैंक भी चार्ज पे लगा रखा था, ये रहा एक पावर बैंक की लाइट है, अरे ये सब चार्जिंग पे लगा पाए। तो भाई जो हम बना रहे थे ना वो ये है। अब इसको बर्गर बोल लो, वड़ा पाव बोल लो, चिकन वोपर बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल दो भाई, अपने बना लिया है ऐसे तैसे करके। वो बहुत सही लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये क्या बना दिया ये वो। और ये हमने दो खा लिया, एक तो मैं खा चुका हूँ, मतलब मैं खाने में इतने मगन था कि वीडियो वीडियो नहीं बनाई थी, बन गया चलो ये भी खत्म होने वाला था, को आधा निपटा दिया। तो कुछ ये बनाने के हम ट्राई कर रहे थे।
गई आपको नजर। ओ भाई साहब ये देखो भाई कहाँ कर बना रखा हमने, ये देखो भाई साहब ने ये कोई तरीका है यार बताओ। करंट सिचुएशन ऐसी है कि मौसम फिर से खराब हो गया है और इस टाइम पैकअप करना मुश्किल है थोड़ा सा क्योंकि हवा बहुत तेज चल रहा है। तो भाई अपने बन ऑमलेट की तैयारी हो रही है।